निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 20 मई को दोनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी कोर्ट में दोनों की पेशी हुई, जहां एक तरफ कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर उनके सीएस सुमन कुमार को जेल भेज दिया गया। रिमांड पर बहस के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि पल्स अस्पताल को लेकर पूजा सिंघल जवाब नहीं दे रही है, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है, उनसे अभी कई राज जानते हैं। वहीं पूजा सिंघल के वकील हाईकोर्ट के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने कहा कि उनके मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है, पूजा बीमार है, मानसिक रूप से परेशान है, ऐसे उन्हें रिमांड नहीं दिया जाए। इस पर ईडी की ओर से बताया गया कि पूरा देश इस मामले को देख रहा है, नरमी नहीं बरती जाए। अभी बहुत बातें आ रही, जबकि जेसी में भी जाने के बाद हमको कुछ पूछना पड़ेगा, ये जेल जाकर के भी। हाँ, लंबा केस है ना, ये करप्शन केस है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें समय लगेगा। अभी अभिषेक झा बाहर है सर, रडार से अभी तक। अभी इसकी बात हमें मालूम नहीं। सुमन कुमार को क्या वो अब जरूरत नहीं है पूछताछ उनसे? अभी और पूछताछ किया जाएगा उन्हें, वो जेल में भी पूछताछ किया जाएगा, हमने इसके लिए भी प्रेयर किया है। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।